डैम। देखो भाई बर्फ अभी तक है यार, अमेजिंग। ये बन गया जी आपका मैंगो शेक। लो जी रात को हमारा सेटअप यहाँ होगा डिनर का। देख रहे हो दिस इज माय गॉड। तो एक बज चुका है दोपहर का और हम गाड़ी में इसलिए बैठे हैं क्योंकि स्लीपी स्लीपी अभी जब तक ये सो के उठती नहीं है तब तक हम गाड़ी में रहेंगे और ये तो सोई है तब तक टाइम पास करेंगे। अब जैसे ये उठेगी उसके बाद हम जाएंगे सेंट मैरीज आइलैंड और सेंट मैरीज आइलैंड जाने के लिए हमें पहले माल पे वॉक में जाना पड़ेगा। तो माल पे वॉक से हमें एक बोट मिलेगी, उस बोट में हम जाएंगे सेंट मैरीज आइलैंड और वो भी आपको दिखाएंगे। सेंट मैरीज आइलैंड की जो टाइमिंग है वो 5 बजे तक होती है तो हमने 3 बजे का टारगेट रखा है, अभी 1 बजा है। तो जैसे ही उठेगी विल गो टू माल पे वॉक बड़ा, उसके बाद फिर हम सेंट मैरीज आइलैंड। शेक बनाने के लिए मैंगो लेके आए थे, देखते हैं बचे कि नहीं बचे। अरे वाह मैंगोज आर चिल्ड, बहुत ठंडा है भाई। देखो भाई बर्फ अभी तक है यार, अमेजिंग। अभी तक बर्फ है देखो। ये दूध आ गया और ये मैंगो, ये बाद में पियेंगे। चलो ये क्या जी दूध है। दूध भी ठंडा आम भी ठंडे, ये फायदा है चिलर का। ये बन गया जी आपका मैंगो शेक। लो जी हाँ बहुत बढ़िया जी, मजा आ गया एकदम चिल्ड। चेयर्स। तो हम अभी पहुंच गए हैं जी मालपे बीच पे और काफी अच्छा माहौल है मालपे बीच का और हमारे होटल से कोई 3 या 4 किलोमीटर दूर था। पहले हमने कृष्णा टेम्पल देखा और 2 शिवलिंग देखे, उसकी स्टोरी आपने देख ही ली होगी। अभी हम पहुंचे हैं मालपे बीच में और मालपे बीच का भी आपको नज़ारा दिखाते हैं, यहाँ पे क्या क्या स्पोर्ट्स गेम्स चल रही हैं और यहाँ से हमें कौन कौन से आइलैंड्स दिख रहे हैं। ये है जी पैराडाइज आइल रिजॉर्ट, रात को अगर रुकना हो तो यहाँ रुक सकते हैं। सेंट मैरी आइलैंड के लिए बोट जो है वो 4:30 बजे तक जाती है लास्ट। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह काफ़ी हैं यहाँ पे और बोटिंग भी हो रही है यहाँ पे। बट अगर आपने सेंट मैरी आइलैंड के लिए जाना है तो पीछे माल पे वॉक है, वहाँ से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ है, अगर आप यहाँ पे टाइम स्पेंड करें तो यहाँ पे कर लीजिए, लेकिन हमारे पास इतना टाइम है नहीं इसलिए हम वापस जा रहे हैं माल पे वॉक पे और वहाँ से हम जाएंगे सीधा सेंट मैरी आइलैंड। मिलते हैं आपको बोट पे।
बीच वॉक तो ज़्यादातर शाम को ही करने का मज़ा आएगा, क्योंकि अभी धूप काफ़ी तेज़ है, सूरज देवता जी सर पे चमक रहे हैं हमारे, गर्मी है। वराह रूपम लो जी, मार्केट आ गई छोटी मोटी। सेंट मेरी आइलैंड टिकट बुकिंग ऑफिस, हमारा कम बेटा, विल गेट यू वन कैब फ्रॉम हियर। हमारा आइसक्रीम भी आनी है, आइसक्रीम देना। तो दोस्तों हम अभी आ गए हैं बोट के ऊपर, बोट की टिकट थी 300 रुपीज़, 10 साल से ऊपर वाले के लिए 300, और बच्चों के लिए 3 साल से नीचे कोई टिकट नहीं, और 3 से 10 के लिए 150 रुपीज़ टिकट। तभी हम जा रहे हैं सेंट मेरीज आइलैंड बोट के ऊपर, और लाइफ जैकेट तो मैंने पहनी नहीं है, बच्चों को पहना दी है वहाँ पे। वन आवर का स्टे मिला है, 1 घंटा अपन स्टे करेंगे यहाँ पे।
वो तो फल है, तू फल है। चलो मेरा कम बेटा, वेरी गुड। आज 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 चलो जी, देखिए तेनू ना आ जाएगी। चलो जी पहुंच गए हैं सेंट मैरीज आइलैंड। पब्लिक नोटिस, नो फूड बोतल प्लास्टिक। तो ये है जी सेंट मैरीज आइलैंड की एंट्री। अभी तक तो ठीक लग रहा है, आगे जाके देखते हैं। पापा के भी गंदे हो गए ना, ये देखो माइनू के भी गंदे हो गए। कम कम हमारा भी है, ओनली है वन आवर बेटा, लेट्स गो फास्ट। तो वहाँ से हुई है एंट्री सेंट मैरीज आइलैंड की, और ये देखिए हमारा, आओ बेटा। ला भाई वाह भाई वाह, पत्थर भी जान सकते। देख रहे हो, दिस इज माय गॉड, लिफाफा लिफूफा है ऊपर के ले जाएंगे। वाह यार, बेसिकली सारी की सारी सिप्पियां हैं भाई साहब, ये देखो। तो गाइस हम हैं इस वक्त सेंट मैरीज आइलैंड पे। जो सबसे सही चीज हमें यहाँ पे लगी है वो है कि यहाँ पे इस बीच के ऊपर रेत नहीं है, यहाँ पे सी शेल्स हैं, हर जगह सी शेल्स। ये देखो वाओ, एवरीवेयर सी शेल्स। ये वाला बहुत बड़ा है, रॉकी बीच। रॉकी बीच जाना, अब चलोगे आप? उतार दो आपको, चलो उतरो। हाँ से पूरा खाली है, एकदम से खाली है नीचे, ये खतरनाक हो सकता है ना। चलो एनी हाउ, क्या
ये चूरो चूर हो गई एक्चुअली ना इधर। ज्यादा पीछे मत जाओ, आगे आओ, अभी आगे आओ। ये तो क्या सही कैप्चर हुआ है। बड़ा किसी को फोन फून रखा ना पहले ही ना सारे दे। और फ्रेंड्स क्या हाल है फ्रेंड्स के, तो हम क्या नाम था उसका यार, नाम भूल गया, हम सेंट मैरी जो बीच है वहाँ से आ गए हैं वापस। और बहुत ही अच्छा, मतलब काफ़ी मज़ा आया सेंट मैरी आइलैंड में जाके, वहाँ पे काफ़ी अलग अलग चीज़ें देखने को मिली हैं। अभी हम आ गए हैं वहीं अपने रिसॉर्ट में पीछे, और हमारे पीछे जो हमने कल मिस कर दिया था, मिस क्या किया था हमने कल, सनसेट। और बस अभी हम वही सनसेट देखने जाएंगे, जाएंगे क्या, यहीं पे खड़े हैं, यहीं पे खड़े खड़े सनसेट देखेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल सा सनसेट लग रहा है मेरे को तो अभी। आज है 28 तारीख और अभी बैठ के बस बीच का मज़ा ले रहे हैं।
मायरा व्हाट इज दिस ये देखो बहुत अच्छी बेटा और आज ये रिजॉर्ट वालों ने हमारे लिए क्या ही ब्यूटीफुल सेटअप किया है डिनर के लिए। पीछे रिवर साइड व्यू और डिनर सेटअप। ब्यूटीफुल डिनर सेटअप यार, मज़ा ही आ गया। लैंप क्यों ऑफ किया हुआ है? अब देखते हैं खाने में क्या था। मेरा तो अभी है। हाँ भाई, ये वेज क्या था? ये फ्राइड राइस विद वेज सॉस। ये शेजवान चटनी लग रही है। अमेरा हाउ इज इट? वन टू हाउ मेनी नॉट हाउ मेनी हाउ इज इट? इज इट टेस्टी? यस। कैसा है? मैं देखूं मेरे में क्या है। देखते भी हमारे लिए क्या है खाने के अंदर। वीडियो कुछ अच्छा नहीं आ रहा है यार। What is this? अरे वहाँ पर है देसी घी की फिश। ये है देसी घी की फिश। क्या महक आ रही है यार। और ये क्या है? ये क्या है? ये नीचे में डालो बाबू। This is squids. नाइस घी रोस्ट। मेरे ऐसे वेस्ट मत करो प्लीज। चिकन है उसमें, खाओ। तो ये है डिस्को फिश। अब डिस्को फिश खा के ट्राई करके देखते हैं कैसी है डिस्को फिश। यस, बहुत यम्मी है ना। लो। देसी घी का टेस्ट आ रहा है, ब्लैक पेपर का टेस्ट आ रहा है। और जब हम घी निकालते हैं और जो एंड में बच जाता है ना, जिसमें हम चीनी डाल के खाते हैं स्वीट, उसका टेस्ट आ रहा है। ओवरऑल डिफरेंट है, मज़ेदार है। गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह। बहुत अच्छा दिन रहा आज का। बाय।